अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे एक नई रेसिपी, मटर और आलू की टिक्की। ये बहुत ही टेस्टी होती है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। हम यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। हम यहाँ पर एक लेंगे छोटी सी प्याज और इसे बारीक बारीक काट लेंगे। आधा छोटा चम्मच हमें ले लेना है चाट मसाला, आधा छोटा चम्मच ले लेना है हमें लाल मिर्च का पाउडर, एक छोटा चम्मच ले लेंगे हम नमक, नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, गरम मसाला आधा छोटा चम्मच ले लेंगे हम। यहाँ पे ले लेंगे हरी मिर्ची, छः हमें हरी मिर्ची लेना है, हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है इसीलिए मिर्ची कम लेंगे। यहाँ पे हम आधा छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, एक छोटा चम्मच जीरा ले लेना है हमें, मिर्ची हमें तीखी वाली नहीं लेना है। यहाँ पे हम ले लेंगे एक कप हरी मटर, जो कड़क वाली नहीं लेना है, जो हरी हरी होती है नरम नरम वही वाली मटर लेना है हमें। यहाँ पे हम ले लेंगे दो बड़े आलू, आलू को छीलकर मोटा मोटा हम काट लेंगे। हरा धनिया भी अच्छे से धुल के हमने साफ़ कर लिया है। अब हम लेंगे यहाँ पर एक कढ़ाई, कढ़ाई में डाल देंगे हमने जो हरी मटर लिए है वो डाल देना है। इसके बाद हम डाल देंगे आलू जो हमने मोटे मोटे टुकड़ों में काटी थी, ये देखिए हमने ऐसे मोटे मोटे टुकड़ों में काटी थी, आलू को ऐसे ही काट लेना है। एक कप पानी डाल देंगे हम, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। एक कप पानी डालने के बाद हम इसको स्लो आंच पर रख देंगे पकने के लिए, और इसमें दो चुटकी के करीब हम नमक डाल देंगे। यहाँ पर हम ले लेंगे ब्रेड क्रम्स हमें ले लेना है। अब हमने जो हरी मिर्ची और ज़ीरा लिया था उसका दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे। ये देख सकते हैं आप, हमने यहाँ पर दरदरा सा पेस्ट बना लिया है। हम यहाँ पर अपने मटर और आलू को चेक कर लेंगे। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे मटर और आलू में एकदम थोड़ा सा पानी बचा है, हमने स्लो आंच पर पकाया था। देखिए हमारे फोक जो है आलूओं में अच्छे से घुस जा रहे हैं, तो हमारे आलू अच्छे से पक चुके हैं। अब हम यहाँ पर मटर चेक कर लेंगे। ये देखिए मटर भी हमारे हाथों से अच्छे से मैश हो जा रही है। तो हम यहाँ पर जो पानी है उसे हम बिल्कुल खुश कर लेंगे, पानी को इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहने देना है। ये देखिए आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब हम यहाँ पर गैस बंद कर लेंगे और इसे निकाल लेंगे एक बर्तन में। यहाँ पे हमने बर्तन लिया, अब इसमें हमने जो आलू और मटर बॉईल किया था वो ले लेंगे और एक मैशर ले लेंगे, इसे हम मैश कर लेंगे। हमें गर्मा गर्म ही मैश करना है ताकि ये अच्छे से मैश हो जाए, गर्मा गर्म करेंगे तो अच्छे से मैश हो जाती है। देख सकते हैं आप, हमने यहाँ पर अच्छे से मैश कर लिया है आलू और मटर को, इसमें बिल्कुल भी खड़े नहीं रहना चाहिए ना आलू ना मटर, एकदम अच्छे से हमें मैश कर लेना है। और इसमें पानी भी नहीं है, देखिए एकदम खुश खुश्क है, गीला नहीं है, हमें ऐसा ही चाहिए एकदम परफेक्ट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये देखिए अब हम इसमें डाल देंगे हमने जो मसाले लिए थे, अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके बाद हम डाल देंगे हमने जो लाल मिर्च चाट मसाला नमक प्याज वगैरह लिया था वो डाल देना है। अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया। इसके बाद हम डाल देंगे हमने जो हरी मिर्च और जीरे का दरदरा सा पेस्ट बनाया था वो डाल देना है। अब हम इसमें डाल देंगे ब्रेड क्रम, हमें पूरा ब्रेड क्रम डाल देना है, और डालकर हम इसे हाथों की मदद से अच्छे से हम इसे मिला लेंगे। हमें अच्छे से इसे मिला लेना है, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए हमने यहाँ पर अच्छे से मिला लिया है आलू को और मसाले जो हमने लिए थे। अब हम इसे टिक्की की शक्ल में बना लेंगे, हम इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे। ये देख सकते हैं आप, हमने यहाँ पर टिक्की जो है वो बना ली है अच्छे से, मोटी मोटी हमें बनाना है, पतली नहीं बनाना है। ये देखिए हमने यहाँ पर पहले से ही पैन में तेल गरम होने रख दिया था, अब हम इसमें अपनी टिक्कियाँ डाल देंगे और हम स्लो आंच पर पहले पकने देंगे 3 से 4 मिनट के लिए, कलर चेंज होने तक का हमें स्लो आंच पर ही पकने देना है और साइड चेंज करते जाना है, आंच तेज़ नहीं करनी है, नहीं तो अच्छे से नहीं हो पाएंगे। देखिए हमने 3 से 4 मिनट बाद साइड चेंज कर दिया है, हल्का हल्का गोल्डन हो गया है हमारे जो टिक्की है। अब हम ऐसे ही करके साइड चेंज करके पका लेंगे। देख सकते हैं आप, गोल्डन हो गया है हमारी जो टिक्की है अच्छे से,
दोनों साइड से। अब हम इसे निकाल लेंगे एक बर्तन में। देखिए ऐसे ही हमें चाहिए, एकदम हल्का गोल्डन। ये बहुत ही टेस्टी होते हैं और बहुत ही लजीज होते हैं, आप इसे ज़रूर बनाएं। यहाँ पे हमने चटनी और सॉस के साथ सर्व करेंगे।